हेलो गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बनाएंगे टमाटो पोहा, जो कि एक न्यू रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। तो इसे बनाने के लिए हम पहले पैन में ऑयल ऐड करेंगे, ऑयल को हम हीट होने देंगे और साथ में जाएंगे इसमें रॉ पीनट्स। मैं इसलिए पहले डाल रही हूँ क्योंकि ये हम कच्ची यूज़ कर रहे हैं, तो इसे कुक करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका कच्चापन जो होगा वो पूरी डिश को ख़राब कर देगा। देन एडिंग इन टू मस्टर्ड सीड्स, करी लीव्स एंड स्लिटेड ग्रीन चिलीज। इसे सौते करके इसमें ऐड कर देंगे चॉप्ड जिंजर और गार्लिक, और इसे हमने 30 सेकेंड्स के लिए सौते करना है। देन एडिंग इन टू द अनियंस, अनियंस को हमें ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करना है। इसको कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे। देन जाएंगी हमारे टमेटोज फाइन चॉप्ड, और इसे हमने मैशी टेक्सचर देना है। तो मैशी टेक्सचर देने के लिए हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। मैं अभी सारा सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो सॉल्ट से क्या होता है, चीज़ जल्दी कुक हो जाती है और टमेटोज तो मैशी जल्दी हो जाते हैं। साथ में जाएगी ग्रीन चिलीज, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप ग्रीन चिलीज पसंद करते तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यू कैन स्किप इट। और इसे हम कुक कर लेंगे। देन जाएगा सोक्ड पोहा, इसे मैंने पहले पानी से निकाल लिया है और इसे सोक कर लिया है, पूरा ड्राई कर लिया मैंने इसे, और अब हम पोहा इसमें ऐड कर देंगे। पोहा ऐड करके इसे अच्छे से हमें मिक्स करना है ताकि जो मसाला है वो सारा पोहा के अंदर मिक्स हो जाए, नहीं तो कई बार क्या होता है कि पोहा की गांठें रह जाती हैं और वो खाने में बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती, कि कहीं पर कच्चा कहीं पर पक्का टेस्ट आता है। देन जाएगा शुगर और हल्का सा लेमन जूस। इसका जो कॉम्बिनेशन है ना गाइस, क्या बताऊँ, इतना टेस्टी कॉम्बिनेशन बनता है ना। और फिर हम इसे ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मेन इंग्रेडिएंट है, आप शुगर और लेमन को स्किप नहीं कर सकते। अब जाएगा सेकंड तड़का, उसके लिए हमने पहले ऑयल ऐड कर लिया पैन में, देन मस्टर्ड सीड्स ऐड कर लिए, उसे क्रैकल कर लेना है। और उसके बाद जाएंगे स्पाइसेस, जैसे कि देगी मिर्च पहले हम ऐड करेंगे, साथ में टेस्ट के लिए कोरिएंडर पाउडर और गरम मसाला ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये वाला तड़का बनाने के लिए कम से कम हमें 1 से 1.5 मिनट लगेगा। और ये जो हमने तड़का बनाया है ना, इसको हम पोहा के ऊपर डालेंगे, पोहा के ऊपर डाल के उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिसका फ्लेवर आएगा ना गाइस, ये सेकंड तड़का जो है सबसे मेन और ये ट्विस्ट है मेरा। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे और इसकी प्लेटिंग कर देंगे। प्लेटिंग करने के बाद उसको ऊपर गार्निश कर देंगे स्लिटेड ग्रीन चिली के साथ और थोड़ी सी करी लीव्स के साथ। साथ में जाएगा हल्का सा लेमन जूस। आहा, मज़ेदार सा टमाटो पोहा बनके तैयार है। आप भी इसे ज़रूर बनाएं और इसे अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि एक हेल्दी रेसिपी है और आप इसे बच्चों को टिफ़िन में दे सकते हैं, खाने में बेहद टेस्टी होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।